जाना। जमीन सर पढ़ाते कैसा है, चलिए देख लेते हैं सर, कुछ पढ़ा के बता देंगे आप? हाँ क्यों नहीं पढ़ा देंगे, यही तो मेरा काम है। तो पढ़ा के बता देते हैं कि क्या चीज कैसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। ठीक है जी सर, चलिए देखते हैं। ठीक है जी सर, देखिए अभी जो है हाई स्कूल का एग्जाम होने वाला है, बाद हम प्री फाउंडेशन भी कर रहे थे तो उसी का एक टॉपिक हम बता दे रहे हैं। अभी हाई स्कूल में एग्जाम होने वाला है, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, अभी यूपी बोर्ड हो गया है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। टेंथ में बच्चे एक चीज पढ़ते हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो है रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और उसका टोटल निकालते हैं किताब में, और टीचर लोग उसको आधे आधे एक पेज पे करवाते हैं, आइए उसको फटाफट कर देते हैं और बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैं इधर लिख ले रहा हूँ आपका सीरीज, इधर लिख ले रहा हूँ पैरेलल। ठीक है, एकदम फटाफट, चलिए मैं दोनों एक ही जगह कर दे रहा हूँ ना। सीरीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज लाइन से जुड़ा हो, एक दो तीन, R1, R2, R3, मैंने इन सबको जोड़ दिया किससे, एक बैटरी से। ठीक है, अब आप कॉमन सेंस है, पता नहीं, मैं नहीं जानता आपका साइंस बैकग्राउंड है कि नहीं, लेकिन आपको भी समझ में आ गई है। बैटरी है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बैटरी का काम है करंट देना, ये करंट गई तो इसमें करंट आई गई, अब चूंकि सब लाइन्स हैं तो इसमें भी करंट आई जाएगी और इसमें भी करंट आई जाएगी, इसका मतलब सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो यहां से आई गई है ना, ये सब में वही है तो इसको हम नहीं पकड़ेंगे। अब यहां से ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहां बटेगा ए, ये जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए पुलिस वाले हैं सर, यहां से आप बाहर से जा रहे हैं, पुलिस वाला चेक कर रहा है तो कुछ पैसा इसको देंगे, इसे पुलिस वाले नहीं कोई भी, जिसमें चेकिंग हो रही है आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप गए तो ये कितना लगेगा, ओम का एक नियम हम पढ़ते हैं वी बराबर आई आर, तो इसे बोलेंगे सर आप कुछ दे के जाइए, तो बोलेगा ठीक है सर ले लीजिए, V1 बराबर करंट है I और रेजिस्टेंस है R1, ये V1 हो गया, इसके अक्रॉस भी पेनल्टी देनी पड़ेगी तो V2 बराबर I R2, इसके अक्रॉस भी देनी पड़ेगी V3 बराबर I R3। ठीक है ना, अब एक काम करिए, देखिए ये V है ना, यही तो जाके बढ़ रहा है सब में, आप लेकर निकले 500 रुपया, तीन जगह चेकिंग हो गई, तीन जगह पेनल्टी भर दीजिए, तो अब टोटल जो ये V है ना इसी को आपने बांटा है ना, तो ये तीनों के जोड़ के बराबर होती है, यही ना पार्ट है ना दादा के, तो V1 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R, अब ये R पूरे सर्किट का है, ये R1 R2 नहीं है, ये R इन तीनों को मिला के बनेगा, इसी को बोलेंगे R net, R total, ये V बराबर I R हो गया, करंट बेटा सब में इसमें भी सब में सेम है ना, तो ये करंट सेम हो गई। ये V1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, देखिए I कट गया, क्या बचा R net बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, खत्म। ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हो गया डेरिवेशन, देखिए एक स्टेप का डेरिवेशन है, किताब में आधा आधा डेढ़ पेज में दिया होता है। ठीक है, फटाक से पहले बता दें, पहले हम दो पॉइंट बना लेते हैं, एक दो तीन, यहां से बैटरी लगा दीजिए आप, ये R1, ये R2, ये R3, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां करंट बट नहीं रही थी है ना, लेकिन यहां करंट बटेगी, ये V वोल्टेज है, पोटेंशियल V है, I V, आई यहां जाके कंफ्यूज हो गई कि जाओ किधर, तो हमने कहा बट जाओ I1 I2, बट गई ना करंट। अब देखिएगा इसमें करंट इतनी गई, इसमें करंट इतनी गई इसमें, लेकिन जैसे आपने इसमें देखा था कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती, उसी तरह पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, तो इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, क्लियर, जो चीज डिवाइड हो रही होगी उसी का सम करना है। यहां पे देखिए पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था ना, तो मैंने पोटेंशियल का सम किया, यहां पे क्या डिवाइड हो रहा है करंट, तो हम किसका सम करेंगे करंट का, तो ये I जो गई है यही ना तीन जगह बटी है, I बराबर I1 I2 R3। ठीक है ना, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, इसलिए I बराबर V / R, क्लियर, I1 की जगह क्या लिखेंगे V /
आर नेट, ठीक है। आई वन की जगह क्या लिखेंगे, वी बाई आर वन, सबका वी सेम है, इसकी जगह क्या लिखेंगे वी बाई आर टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे वी बाई आर थ्री, क्लियर है। देखिए वी वी सब में कट जाएगा ना, कॉमन है, बचेगा क्या वन बाई आर नेट बराबर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। इसका मतलब सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती जबकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला टोटल आएगा आर नेट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जबकि पैरेलल में एक बटा आर नेट बराबर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, खत्म ही हो गया। आपका एनसीईआरटी का तीन चार क्वेश्चन खत्म हो गया। आई थिंक ये सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।